काम। ओबे ओ रुचि, ओ भाई साहब ठीक सामने देखो भाई, खतरनाक बादल फटते हैं ना, वो इसी बारिश की वजह से फटते हैं। भगवान करे आज कोई अनर्थ ना हो। देख के ना बिल्कुल एक अलग सा दिखाई दे रहा है, डरावना सा माहौल। चलो जी सुबह सुबह बाहर का नजारा देखो। अरे वाह भाई साहब, काफी गजब की धूप लगी है काफी दिनों बाद। हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ। सबसे पहले आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल प्रणाम, कैसे आप सभी के हाल? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी करीब 10 बज रहे हैं और आज की वीडियो की शुरुआत हो चुकी है मेरे गाँव के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। मेरे गाँव का नाम है अलेथ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी आज सुबह सुबह क्या गजब का मौसम हो रखा है, बिल्कुल चारों ओर प्यारी सी धूप खिली हुई है और दूर दूर पहाड़ियों में हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं। तो आज सुबह सुबह मौसम की बात करें तो काफ़ी दिनों बाद ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है, बिल्कुल नीला आसमान दिखाई दे रहा है हल्के हल्के सफ़ेद बादलों के साथ, बाकी हल्की हल्की धूप खिली हुई है चारों ओर से। बाकी सुबह सुबह ठीक सामने वाले रास्ते पे देखिए, नीचे गांव की कुछ महिलाएं सुबह सुबह जंगल की ओर निकल चुकी है। आजकल जिनके पशुएं ऊपर बुग्यालों में हैं वो तो मास्क करके पशुओं के साथ बुग्यालों में रह रहे हैं, और जिनके पशुएं घर में हैं वो महिलाएं आजकल दूर जंगलों में जाके पशुओं के लिए चारा चूरा लाती है। और ये जो महिलाएं हैं नीचे गांव से गई है, फिर यहां से घूम के ठीक ऊपर इस वाले जंगल से अपने पशुओं के लिए लंबी लंबी घास लेके आएंगे। अरे वाह, और सुबह सुबह हमारे घर में एक भाई साहब आए हुए हैं। अरे भाई साहब राम राम, क्या हाल है जी? क्या कर रहे हैं ये? क्या माल है ये? कालीन है। अच्छा, कहाँ से हो आप? नेपाल से हो, चलो बढ़िया। अब ये जो भाई हैं ये नेपाल से आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए, और गांव-गांव में अपना जो सामान है वो बेच रहे हैं। बाकी चलो अब एक बार नाश्ता नुश्ता कर लेते हैं। अरे वाह, सुबह सुबह अर्चना ने यहाँ पे चौका चूल्हा कर दिया है, यानी जो किचन है उसको मिट्टी गोबर से लेप कर दिया है। चलो वाह, और यहाँ पे नाश्ता रखने लग गई है। बाकी आजकल माँ हरुंता गई हुई है ना, तो इस वजह से मेरा जो खाना है, मेरा जो भी खाना है नाश्ता लंच डिनर, वो अर्चना बनाती है। क्यों भाई? अर्चना धन्यवाद तुम्हारा। कभी तो प्यार से रह लिया कर हमारे साथ। चल ठीक ठीक, अब इससे प्यार क्या दिखाना, बस बताओ। बाकी ये जो इसका दुख दर्द था ना मेरे लिए खाना बनाने का, वो आज तक ही था। अब माँ आने वाली है आज वैसे, तो अब इसके बाद माफ करके अर्चना एक आदमी का खाना कम बनाएगी, है ना? बाकी आज नाश्ते में अर्चना ने बनाया है कद्दू की सब्जी है, और मक्खन है, रोटी है, साथ में दही है, और यहाँ पे समझ गए। अरे बबीता जी नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और यहाँ पे अर्चना खाने लग गई है। चलो मास्क करके इन खूबसूरत नजारों के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड देख के नाश्ता करने का आनंद लेते हैं। अभी दोस्तों दिन के समय पे देखिए, अचानक से ही भयंकर बारिश आ गई है कहीं से ही, और बारिश के साथ ना हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है, ऊपर साइड से भयंकर तेज बारिश आ गई है। और हमारे यहाँ ऐसा भी कहते हैं कि अगर धूप और बारिश एक साथ होती है तो सियार की शादी होती है बोला, यानी शाव की बारात होती है बोल। और ऐसे मौसम में भी देखिए क्या गजब का माहौल बना हुआ है चारों ओर का। देखिए भाई इधर साइड ये जो बारिश हुई ना, चंद मिनटों की बारिश हुई, अब यहाँ पे फिर से प्यारी धूप खिल गई है और इधर साइड से मौसम भी खुलने लग गया है। बाकी ठीक सामने की बात की जाए तो भयंकर बारिश हो रही है, वहाँ साइड बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बारिश इतनी तेज हो रही है। ये होता है सौण भादों का महीना, बारिश का कोई भी भरोसा नहीं रहता है। वैसे बरसात के टाइम पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते हैं मौसम पे। जो बारिश यहाँ हो रही है, ऐसी बारिश अगर कंटिन्यू रहे ना एक दो घंटे तक, तो ऐसे में लैंडस्लाइड टूट फूट का खतरा ज्यादा रहता है। हाँ जी खुल गई नींद, हो गया सवेरा। अरे अरे कुछ बोलो। अरे अरे चल ठीक ठीक ठीक।
आज संडे है ना, तो सभी लोग मास्क करके आराम कर रहे हैं। नीचे रुचि, अर्चना, दक्षु मास्क करके सोए थे भाई अभी तक, और अब जाके दिन का खाना बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ रही है। और थोड़ी देर पहले ना हरुणता से फोन भी आया था, बोला माँ आज नहीं आ रही है, माँ कल आएगी। बोला आज दिन का जो लंच है वो अर्चना ही बनाने वाली है मेरे लिए, मतलब एक बार फिर से अर्चना को एक आदमी का एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ेगा। हरे राम, बहुत दुख होता है, नहीं बहुत दुख होता है ना। चलो ठीक है ठीक है, खैर ये सब मजाक की बात है भाई। बाकी अभी सभी लोग सोने से उठ गए हैं, रुचि अर्चना भी, रुचि भी और दक्षु डॉन भी। बाकी बाहर का रुचि भाई साहब ठीक सामने देखो भाई, खतरनाक बारिश। अबे यहाँ देख उत्तर भाई, मतलब खतरनाक लग रहा भाई साहब, मतलब बिल्कुल भी आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। भाई साहब मानो वहाँ अब ना बाढ़ आने वाली हो भाई, खतरनाक। भाई साहब क्या लगता है तुम्हें? ना ना शुभ शुभ बोलो भाई, शुभ शुभ बोलो। मतलब और ऊपर ना ऊपर साइड देखो भयंकर सा बादल, ये देखो भाई साहब ने तो प्रदर्शनी के लिए चेयर लगा दी, मास्क करके देखने लग गए। हाँ जी हाँ जी, अरे महर जी क्या हाल है, क्या हाल है? अरे भाई साहब, अरे महर जी क्या हाल है, क्या हाल है? ठीक है हम। अरे भाई साहब यही जो बारिश है ना, ये वाली बारिश यही भाई खतरे का निशान रहता है भाई, यही तो है पहाड़ों में बड़े नुकसानदायक बारिश है। जो बादल फटते हैं ना वो इसी बारिश की वजह से फटते हैं, भगवान करे आज कोई अनर्थ ना हो। भाई साहब देखो भाई, देख के ना बिल्कुल एक अलग सा दिखाई दे रहा है, डरावना सा माहौल दिखाई दे रहा है ये। और अब ठीक इधर साइड से भी काले काले बादल गिरने लग गए हैं, और नीचे साइड से देखो बारिश आने लग गई है। दिन भर से बढ़िया धूप थी और अचानक से मौसम ऐसा हो गया ना कि क्या ही बोले भाई। ऐसे मौसम को देख के थोड़ा सा डर लग रहा है, ऊपर साइड से भी बारिश आ गई है, नीचे साइड से भी भयंकर बारिश है, मतलब खतरा है भाई बारिश में खतरा। चलो देखते हैं कुछ बुरा ना हो बस। चलो बाकी अब एक बार खाना खा लेते हैं, और आज देखो बिल्कुल खिचड़ी बनाई हुई है अर्चना ने, धन्यवाद आपका। तो अब इन खूबसूरत बरसते हुए पहाड़ों के साथ गर्मा गर्म खिचड़ी का आनंद लेते हैं।